प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्रीमंद स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि शिव वंदन नमन। कर्नाटक तट के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि शिव वंदन नमन। तब काटी हुए वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तपाचार्य तप परवर्तनी गुरु मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का तीर्थ दान देने वाले आराध्य गुरु मैया के चरण प्रिय छोटी साध्वी इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त, मेरे भाई खड़े हैं वहाँ गेट पर। अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो उनको बैठने की जगह मिलेगी। आप बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सभा की एक शोभा होती है व्यवस्था में, बहुत अच्छा लगता है वो प्रांगण जहाँ सब शांति से सलीके से बैठते हैं। बहुत अच्छी प्यारी है ये सभा और आप सभी की श्रद्धा भक्ति, आपका पोषाक अनुमोदनीय है, प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। इस पावन प्रांगण में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का। धर्म के लिए आपने पुरुषार्थ किया, इस परिवार विराज की आराधना करने में आपने अपने मन को जोड़ा, अपने तन को जोड़ा, अपने समय का सदुपयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। अनंत ज्ञानी देवाधिदेव परम पिता परमात्मा का ये प्यारा सा शासन सदा जयवंत है और इस शासन को समर्पित होने वाला प्रत्येक मानव विजय और सम्मान का अधिकारी बनता है, ऐसी परमात्मा की वाणी है। परम पिता परमात्मा की दृष्टि, उनका ज्ञान, उससे कुछ भी अछूता नहीं बचा। जब तक कैवल्य का प्रकाश नहीं होता परमात्मा मौन रहते हैं। जब कैवल्य का प्रकाश हो जाता है तो वो सुबह शाम एक एक पहर देशना देते हैं। आज जिनका ये शासन चल रहा है, ऐसे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने 29.5 वर्ष तक सुबह और शाम एक एक पहर दिव्य देशना हमें प्रदान की और उस दिव्य देशना में कोई भी सब्जेक्ट अछूता नहीं रहा, चाहे वो आत्मा, चाहे वो परमात्मा, चाहे वो पुद्गल, जड़, चेतन, नव, तत्व, ज्योतिष, भूगोल, खगोल, आहार, सिद्धि, सभी विषयों पर परमात्मा ने हम सबको एक बोध दिया। विज्ञान तो आज स्वीकार कर रहा है लेकिन वो परमात्मा की बात को ही स्वीकार कर रहा है। जब हॉस्पिटल दवाइयों के ढेर से बोझ से ये साइंस थक गई, घबरा गई, तो उस समय परमात्मा की बात माननी पड़ी। वनस्पति
जीवंत है, उसमें कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, कषाय है, ये परमात्मा ने बताया। और दो भेद किए वनस्पति के, प्रत्येक और साधारण, ये दो भेद हमें बताए। लेकिन दुनिया के लोग तो इंतजार करते रहे जगदीश चंद्र बसु का, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने वनस्पति को प्रमाणित करते हुए इस दुनिया को बताया। वैज्ञानिक लोगों ने उनका इंतजार किया, उसके बाद ही माना कि वनस्पति में जीव है, वनस्पति जिंदा है। परमात्मा ने तो हमें कब से बता दिया और आज इंसान उसको स्वीकार कर रहा है। परमात्मा के ज्ञान के सामने तो उन्होंने किसी लेबोरेटरी का, किसी यंत्र का कोई भी आलंबन नहीं लिया, बल्कि उनके भीतर में जो ज्ञान था, केवल्य का जो प्रकाश था, उस केवल्य के प्रकाश में हर मानव को वो रोशनी दी, और उस रोशनी को देकर आज का जो विषय मैं आपके सामने प्रेषित कर रही हूँ, परोस रही हूँ, वो बहुत अहम विषय है और जागने का विषय है। मुझे भी जीना है, लेकिन कैसे, उसके साथ हमारा डाइनिंग टेबल कैसा है। आज सबसे ज्यादा हम किसको फोकस करते हैं, डाइनिंग टेबल को सजाते हैं, और घर में जब कोई मेहमान आ जाए तो उस डाइनिंग टेबल को, और वैसे भी किसी के घर में जाओ ना तो डाइनिंग टेबल पर परमानेंट कुछ चीजें तो रखी ही रहती हैं जो दूसरों के अट्रैक्शन का कारण बनती हैं, रखी रहती है, और उसमें शान भी समझते हैं कि कोई बाहर से आएगा डाइनिंग टेबल पर 10 चीजें देखेगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा कि ये घर कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, यहाँ का खान पान कितना अच्छा है। लेकिन उस डाइनिंग टेबल पर पड़ा क्या है, परोसा क्या हुआ है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। परमात्मा ने बहुत छोटी छोटी सी चीजें हमें जगाने के लिए है, भले ही ये आज के युग का शब्द है डाइनिंग टेबल, लेकिन इसमें आलंबन है सारे हमारे आगमों का, इसमें बात है परमात्मा की। परमात्मा की बात के बिना तो कोई भी चीज अधूरी है। उत्तराध्ययन सूत्र में रसा पगामम निवेश विचार एक शब्द आया है, रस विधि टेस्टी फूड, आज की भाषा में बोल के टेस्टी फूड, उनका तुम कुछ हद तक त्याग करो। जो हर रोज हर विधि को लगाता है, विधि कितनी है पता है आपको, पांच विधियों का सेवन करने वाला महापापी होता है। जो चाहे वो शावक है, चाहे वो ग्रस्त जीवन में रह रहा है, चाहे वो साधु जीवन में है, अगर एक दिन में तुमने पांच विधियों का सेवन किया है तो तुम्हारा मन भी विकृत हो गया और तुम्हारा तन भी रोगी, अधिक दृष्ट भोजन करने वाला रोगों को निमंत्रण देता है। इन विधियों को आज आप अपने साथ इस बात को लेकर जाना कि पांचों विधि, घी, तेल, दूध, दही, मक्खन और शहद को भी महाविधि कहा गया है। मधुमक्खियां कहती हैं इंसान कैसा है, हम तो पुरुषार्थ करती हैं, इधर उधर डोलती हैं और फूलों से रस लेकर आती हैं, लार अपने अपने जिभा में, अपने मुंह में जमा करती हैं, लाकर उस लार को अपने घर में निकाल देती हैं, और मेरी लार को खाने वाला ये इंसान, किसी की लार खाई जा सकती। और आज कितने लोग ऐसे हैं जो शहद के बिना कुछ बात ही नहीं करते, हर रोज जो शहद का सेवन करते हैं बहुत स्वस्थ होगा ही। जब किसी के भोजन को, किसी के प्राणों को छीनकर तुम खाते हो तो उसकी ऊर्जा कैसी आती है हमारे पास, कैसी आती है। आज पूरा विश्व 22वीं सदी में प्रवेश करने जा रहा है और बहुत सपने सजा रहा है 22वीं सदी के, और उसमें इस विश्व का एक देश जो
जिसके पास मेडिकल सुविधा सबसे ज्यादा है वो कौन सा देश है? अमेरिका। जानते हो अमेरिका की हालत कैसी है? अमेरिका के 12-15% जो जानवर है, पालतू जानवर, घर में रहने वाले जो जानवर है, उनको भी इंसान के रोग लग गए, डायबिटीज हो गई है उनको। पूरे संसार में 1 करोड़ लोग एड्स का जो रोग है उससे ग्रसित है, और जिसमें 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मौत डिक्लेयर हो चुकी है कि 20 लाख लोग ऐसे हैं उनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें मरना ही मरना है, और उसमें से 15 लाख लोग अकेले अमेरिका में है। जिस अमेरिका को आइडल बनाते हो ना अपना, क्योंकि उनका डाइनिंग टेबल कैसा है, वो तो सुधरते जा रहे हैं, सुधर गए हैं वो लोग जब ये हाहाकार मचा उस देश में। चाहे स्टेन गन अणुशास्त्र में जो सबसे आगे खड़ा है और कोई भी देश उससे लड़ने से कतराता है, लेकिन एक रोग एड्स का रोग खड़ा होकर लड़ रहा है अमेरिका से। वहां के हर साल 7 लाख लोग कैंसर से मरते हैं, 14 लाख लोग, 8 लाख लोग, 7 लाख कैंसर से और 8 लाख लोग हार्ट की प्रॉब्लम से, हार्ट फेल होने से मरते हैं। इतनी रिसर्च चल रही है, इतनी रिसर्च, 22 हॉस्पिटल है वहां पर सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अभी तक परमानेंट कैंसर का ट्रीटमेंट वहां पर भी आया नहीं। जब देखा ताबड़तोड़ लोग मरते जा रहे हैं तो रातों रात वो लोग जाग पड़े, और जागे तो कैसे जागे? उन्होंने सारा घृष्ट भोजन खाना छोड़ दिया, आईमिल है ना जो हमारा पका हुआ उबला हुआ धान्य खाना शुरू कर दिया, और रातों रात सब ने निश्चय कर लिया कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और जो रेड लाइट एरिए थे ना वहां पर भी जाना बंद कर दिया, एक दूसरे का छुआ हुआ पहना हुआ वस्त्र भी पहनने छोड़ दिए, योगा सेंटर खुल गए बड़े बड़े, ऐसी बड़ी बड़ी पत्रिकाएं निकल गई, और फिर लेबोरेटरी में एक और टेस्ट हुआ। परमात्मा ने हमें इतनी सुंदर व्यवस्था दी, जिमीकंद के सेवन से तुम महापापी बन जाते हो। जो जिमीकंद का सेवन करता चला जाता है, तो एक लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, उसमें पोटैटो आलू को और टमाटर को टेस्ट किया, तो उसमें पाया गया कि इसके अंदर एक निकोटीन नाम का जहर है, और वो जहर कैंसर फैलाता है, जिससे कैंसर बढ़ता चला जाता है, और उन गोरे लोगों ने तो पोटैटो और टमाटो खाना छोड़ दिया। वो हेल्थ के लिए जागरूक हो गए। लोग कहते हैं कि महावीर का सारा धर्म केवल अहिंसा का ही है, ये तो जीव दया पालन के लिए है। नहीं, महावीर के उस धर्म में हेल्थ, मेंटल के लिए, फिजिकल के लिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटली हेल्थ के लिए सुरक्षा प्रदान की है प्रभु ने, ये सूत्र देकर हमें। ऐसे सूत्र देकर के, क्योंकि विदेशी कंपनियों का ताबड़तोड़ रूप में एकदम आगमन, ये 20 सालों से तो इतनी विदेशी कंपनियां आ गई, और जो भी चीज आज हमारे सामने आ रही है वो कैसी है? कंटेनर पैक होकर आते हैं ना, उसमें सी फूडिज्म करके एक ऐसा रसायन होता है कि तेज रसायन भी उसके अंदर डाल दिया जाए, उसमें जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं वो जीवाणु मरते नहीं है। टेस्ट किया ऐसे लेबोरेटरी में, क्योंकि जिस समय एकदम विज्ञान साइंटिस्ट हिल गए कि देखा इतना सारे रोग बढ़ते जा रहे हैं, सारे वो साइंटिस्ट हिल गए, और उन्होंने ये प्रयोग किया। उस प्रयोग में जो रसायन उन कंटेनर के, आज के आपके डाइनिंग टेबल पर ऐसे कंटेनर सजे होते हैं, मिठाइयां, ड्राई फ्रूट। परमात्मा ने तो सबकी एक्सपायरी डेट बताई है, प्रभु महावीर ने, चाहे वो कोई भी वनस्पति है, चाहे वो किसी तरह का फूड है, उसकी एक्सपायरी डेट बताई है। और आज हम कौन सी एक्सपायरी डेट मानते हैं? जो डिब्बे आपके पास पैक होकर आए उसके ऊपर जो डेट लिखी है इंसान ने, उसको आप
कितना विश्वास है किसके साथ? आज इंसान के साथ विश्वास है और भगवान के ऊपर कोई विश्वास है? उस कंटेनर में जो भी फूड पैक होकर आता है उसका जो लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, कहते हैं कि कितना तेज रसायन उसके अंदर मिला दिया जाए तब भी वो जीव मरते नहीं है, और उस रसायन का प्रयोग ऐसा होता है कि लोग नपुंसक बन जाते हैं उसके बार बार सेवन करने से। ये बीमारियां बढ़ती जा रही है, सब कुछ सामने आता जा रहा है। और परमात्मा ने तो मांसाहार के लिए कितना रोका, जीव के अंदर क्या कुछ बताया। आज 90% विदेशी लोग तो जागरूक हो गए हैं, उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं में, पता नहीं वो लोग फिर भी रातों रात सुधर जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह अब वो तो हरी सब्जी कच्ची ही खाने लगे हैं। और इंडियन लोग, उसमें जैन भी अपवाद बन चुके हैं, कितना नॉन वेज आए दिन आकर लोग बताते हैं, कितने अजैन परिवार हमारे प्रभाव में आ जाते हैं, उनको जिन चाचन जैन धर्म अच्छा लगने लग जाता है और वो आकर एक ही बात कहते हैं, महाराज अपने जैनियों को सोगन मत लो, आपके जैन युवक हर कर्म करते हैं हर तरह का। और इतना जो जिन शासन जो परमात्मा ने हमें दिया वो कैसा, लोग बाहर के कैसे जागरूक हो गए और हम आज तक जागे नहीं है, कैसे जागना है। एक विदेशी महिला, अपने घर से निकली, होटल जाना था, कोई पार्टी थी, कुछ था वहां पर, तो वो जब वहां पर गई तो अपने साथ में अपने घर से आटा लेकर गई, चोकर के साथ ही। और जब वो होटल में पहुंची तो वहां पर उसने वहां के डेरे को कहा कि मुझे इसी की रोटी बनाकर देना, पैसा तुम और ज्यादा लेना है तो ले लेना। अब दूसरी महिला साथ में आई, कहती ये कौन सा ड्रामा है, वैसे तो तुम होटल आई हो और ये, अरे तुम्हें पता नहीं जितना ज्यादा मैदा, जितना ज्यादा होटल की रोटी खाओ उतना ज्यादा फैट बढ़ता चला जाता है, इसलिए मैंने। और कहते हैं कि उस औरत की ये बात सुनकर उस दूसरे वाली लेडी ने एक बुक निकाली जिसकी 10 लाख कॉपियां सिर्फ 4 दिन में ही बिक गई, यानी इतने जागरूक हो गए वो लोग। जब से हमारे इंडिया में ये मल्टीनेशनल कंपनीज आई है, चाहे उसमें सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स है, चाहे मैगी है, और भी पता नहीं बहुत सारी चीजें आप लोग ज्यादा जानते हैं, ये बर्गर है, पिज्जा है, नूडल्स है, पता नहीं क्या 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 आइटम शटम बचे उसको खाने में, तरह तरह के पिकल्स, अचार, जिस अचार में पानी है उसमें कितने सारे छमोछम है। परमात्मा कहते हैं कि घर में भी तुम कोई चीज बनाते हो, जिस चीज को तुम बनाते हो अगर उसमें अंश मात्र भी पानी रह जाता है तो उसमें छमोछम, नमकीन सेव मिठाइयां जो भी कुछ बनाते हो जिसमें पानी का संयोग रह जाता है, अगले दिन वो बासी भोजन, और बासी भोजन तामसिक भोजन, और तामसिक भोजन विकृत भोजन, विकृत भोजन विकारों को बढ़ाने वाला भोजन। इससे सजा है आज हमारा डाइनिंग टेबल। और आजकल तो मैं पढ़ रही थी और पढ़ के दंग रह गई, कहते हैं कि प्लास्टिक के बैग में रोटी भी पैक होकर आती है, सब कुछ तो पैक मिलता है, सब्जियां आजकल पैक होकर आती है, दाल राजमा चीजें जो भी वो कंटेनर में पैक होकर आते हैं। और आज की महिलाओं को तो खुशियों की लहर दौड़ गई है सेठानियों की, तो क्योंकि 5 मिनट में रसोई तैयार, और रसोई तो वैसे घर की रसोई तो बंद होने के आपकी बात नहीं कर रही, आपके घर में संस्कार जिंदा होंगे, जो बड़ा लाइफस्टाइल, हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल में जो लोगों का, वो रोटी लेकर आते हैं, गर्म पानी में उस रोटी को डाला और एकदम गर्म गर्म रोटी 5 मिनट के अंदर, इडली डोसे का मटेरियल कुछ बनाना पड़ता आपको हाथ से, मार्केट से पूरा पैकेट लेकर आते हैं, आटा भी पैकेट में आता है, वो घर में पीसना करना, अरे पीसना करना घर का तो छोड़ो, जो मशीनों में पिसाया जाता था वो भी आजकल चक्की में पिसाया जाता था, उससे भी रास्ते पे कहां जा रहे हैं। बहने किटी पार्टी में जा रही है,
किसी पार्टी के लिए टाइम है और रास्ते में आते आते घड़ी देखती, ओ चलो मार्केट से एक पैकेट लेकर चलते हैं और 2 मिनट में आके तैयार करके रसोई। ऐसा फूड खाने वाला, ऐसा भोजन करने वाला। चरक संहिता में एक जगह आया है कि तुम प्रकृति की के साथ खिलवाड़ करोगे अगर तुम धर्म गुरुओं की बात को नहीं मानोगे। आज जो तुम्हें धर्म स्थान में सुनाया जा रहा है, एक दिन ये डॉक्टर के चैम्बर में सुनाया जाएगा तुम्हें, और तुम फिर उसको मानोगे। आज धर्म गुरु संत परमात्मा की वाणी जिस चीज के लिए तुम्हें चेता रही है, उस चीज को तुम मानते नहीं। परमात्मा ने कितना सुंदर सूत्र दिया है, जो डॉक्टर तुम्हें कहता है कि ठूस ठूस के मत खाना, तुम्हारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, और परमात्मा ने क्या कहा, उनोद्री तप करो। कितना सरल, कितना। अभी बच्चों ने बहुत सुंदर नाटिका तैयार की है, मेरे भाई जो जाने वाले सुन लो, जाना मत। बच्चों का बहुत सुंदर अरिष्ट नेमी राजू का एक नाटिका है, बहुत प्यारी, उसको देखकर ही जाना। तो देखिए, परमात्मा ने इतना सुंदर हमें मार्ग दिया है, एक बार प्रसन्न होकर उसको स्वीकार करके तो देखो। तुम्हें 4 रोटी की भूख है, अगर तुम 3.5 रोटी खाते हो तो परमात्मा कहते हैं तुमने उनोद्री हो गई, तप हो गया, तुम्हारे कर्मों की निद्रा हो गई। पहले के लोग कितने अच्छे थे, कितने सरल और प्राज्ञ थे, जो कुछ धर्म गुरुओं ने कहा, परमात्मा ने कहा, उसको तुरंत स्वीकार कर लेते थे। और आज के लोग क्या करते हैं, वाह हाउ क्यों कैसे, इतने ज्यादा दिमाग में क्वेश्चन उभरते हैं, इतने तर्क वितर्क उभरते हैं। जब जमीकंद का त्याग करो और किसी ने वो सौंठ भी खा लेना, तुम सौंठ भी तो खाते हो, वो जमीकंद नहीं है क्या? पोटैटो में ज्यादा जीव है, और जीव है तो हमें सामने, आज का युवक कहता है ना, अगर जीव है तो ये बॉलिंग कैसी हो रही है। जो आज हमारे अंदर से शब्द निकल रहे हैं, बॉलिंग कैसी है, जैसी बॉलिंग होगी बैटिंग भी तो, और वो बैटिंग कौन कर रहा है, कुदरत। तुम बॉलिंग कर रहे हो तो बैटिंग कुदरत की है, तुम्हें जवाब भी ऐसा ही मिलेगा। चरक संहिता में आया है कि अगर तुम अपने परमात्मा की बात को नहीं मानते, अपने धर्म गुरुओं की बात को नहीं मानते, तो कुदरत तुम्हें मनाती है। कुदरत को मनाना, कुछ साल पहले सूरत में प्लेग का रोग बढ़ गया था, वहां पर जितने भी होटल, जितने भी रेस्टोरेंट, जितने भी ठेले वाले थे, वो सब बंद हो गए थे। और यहां तक स्थिति ऐसी आ गई थी कि अगर इंडिया की कोई फ्लाइट फॉरेन जाती थी तो उसको वहां लैंडिंग नहीं मिलती थी, यानी सब ने भारत के साथ, 94 की बात है, भारत के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ था, वो गाय के मांस से कुछ इंसान को कोई रोग उत्पन्न होना शुरू हो गया था। ये डायरेक्ट मांस खाना ये नहीं है, जो हम चीजें खाते हैं ना, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जो ऐसी वैसी चीजें, जो फास्ट फूड खाते हैं, उस सब में मांस का प्रयोग है। हम शाकाहारी नहीं हो सकते अगर हम इस रूप में जागरूक नहीं है। डायरेक्ट तो गाय का मांस कौन खाएगा, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में प्रयोग होकर तुम्हारे सामने आ रहा है। और जिस समय ब्रिटेन में ये रोग फैला, तो वहां पर जो उस गाय, क्योंकि गाय को कोई संक्रमण हो गया और उसका मांस खाने वाले के अंदर एक रोग आ गया, वो रोग कैसा था, सिर में गड्ढा होता था, हाथ पांव कांपते थे, और उसका कोई इलाज, तो यूरोप के सारे देशों ने ब्रिटेन के साथ रिश्ता, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म कर दिया था। और उससे क्या हुआ था, मैं तो आपको छोटी सी ये बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से परमात्मा ने, जो पहले के लोग स्वीकार करते थे, मान लेते थे उस बात को, कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान मेरी तरफ ही रखो, 2 मिनट में सब आपके सामने ही आएगा। तो मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहती हूँ, हम किस चीज पे विश्वास क्यों नहीं करते, जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। सबको मेरी बात समझ आ रही है ना,
जो हमारी इंद्रियां है, हमारी आंखें कितना देख सकती हैं, कितना देख सकती हैं? ऊपर देख सकती है, अंदर नहीं देख सकती, आगे देख सकती है, पीछे नहीं देख सकती। और हमारा जो आईज विजन है वो भी हमें भ्रमित करता रहता है। आप देखो, जो रेल की पटरी होती है वो अलग होती है, लेकिन हमारी नजरें जब दूर जाती है तो वो दोनों कैसी नजर आती है? इकट्ठी नजर आती है। हमारी आंखें हमें धोखा देती हैं। कोई चाहे चम्मच से समुद्र के पानी को बाहर निकाल दे तो निकाल पाएगा, कोई चाहे आसमान में एक ब्रश लेकर कोई पेंटिंग बना दे, कोई चित्र बना दे तो बना पाओगे? बना पाओगे? छोटे से स्केल से कोई हिमालय पर्वत को नापने की कोशिश करे, बस ऐसा ही है। परमात्मा के ज्ञान को हम विश्वास नहीं करते, नापने की कोशिश करते हैं। परमात्मा ने ये पूरा का पूरा विजन हमारे सामने रखा है, उन्होंने जो देखा जो दिया हमें, कि कम से कम और कुछ ज्यादा नहीं, अपने डाइनिंग टेबल को सुधार लो। सब जीव कहते हैं जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे हम भी। पहले तो ऐसा करते हैं, फिर रोते हैं कोई पाप नहीं किया, इतना पाप कर्म का उदय कैसे आ गया। छोटी सी घटना बताकर अपनी बात को पूरा कर रही हूं। महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र संजय के पास बैठे थे, सब कुछ जो कुछ घटित हो रहा था वो सब देखा, आंखें बहुत बार दूर, बहुत कष्ट हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो श्री कृष्ण से पूछा कि माता, मेरी अंधी आंखों को एक बार नहीं सौ सौ बार रोना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया? मैंने तो इस जन्म में कोई पाप किया नहीं। कृष्ण कहने लगे, धृतराष्ट्र, हर जीव को अपने कर्मों का भुगतान, जाने में अनजाने में इंसान कितने सारे पाप कर जाता है। इस रसना इंद्री के वशीभूत होकर इंसान कुछ भी छोड़, ये इंद्रियां इतना रस लोलुप बना देती हैं कि परमात्मा ने जो कहा है उसको स्वीकार भी नहीं करते। जो अट्रैक्शन हो रही है दुनिया में, बस चाहे दोस्तों के साथ मिलकर, चाहे मित्रों के, आज रखा है ना शाम के समय रात का जो कार्यक्रम, कि युवा पीढ़ी आज धर्म से क्यों नहीं जुड़ती? ये जो डाइनिंग टेबल है ना, और ये खान पान, ये धर्म से, और वहीं से यात्रा शुरू होती है। क्योंकि हमारे जो मन का कंट्रोल कहां पर है? हमारी जीभ में। मन का कंट्रोल किसी और के पास मत समझ लेना कि कोई जाए और आपके मन को संयत कर दे। मन का कंट्रोल हमारी जीभ में है। जब तक ये जीभ कंट्रोल में नहीं आएगी, ये रसना इंद्री, जब तक ये रसा स्वादन, जब तक ये विज्ञों का त्याग नहीं होगा, जब तक ये जिमीकंद का त्याग नहीं होगा, जब तक हमारा खाना शुद्ध सात्विक नहीं होगा, तब तक हमारा मन हमारी बुद्धि संयमित नहीं हो सकता। शर्म आती है कितनी बार? गुरुजी जी महाराज साहब बताते हैं कि एक बार एक स्कूल में जाकर रुके, बैठने की कोई जगह नहीं थी, साधारण सा ही स्कूल था, और वहां के प्रिंसिपल ने, बारिश हो रही थी, आगे नहीं जा सकते, रुकना पड़ा। तो वहां की प्रिंसिपल आई, और पट्टे वगैरह तो थे नहीं, 11 साधवियों का सिंगाड़ा था, तो वहां पर जो ब्लैक बोर्ड थे वो ब्लैक बोर्ड उठाकर बिछाने लगे, वो लकड़ी के थे कि उन पर मां सती जी बैठ जाएंगे। जब वो ब्लैक बोर्ड उठाए तो उसके पीछे से अंडे के छिलके निकले। तो महाराज साहब कहने लगे, गुरु जी, कि स्कूलों में तो बच्चों को संस्कारित किया जाता है, अगर यहीं पर नॉन वेज खिलाओगे आप तो कितनी गलत बात है। फिर बच्चों के संस्कार, उनका आहार शुद्ध कैसे होगा, आहार संयम कैसे उनके जीवन में आएगा, अगर अभी से आपने उनको ये विवेक नहीं सिखाया तो? तो वो प्रिंसिपल हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज साहब क्षमा करना, कल यहाँ पर कोई बारात रुकी थी, हम सफाई नहीं करवा पाए, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ आपको कह रही हूँ कि वो जो बारात थी वो जैन लोगों की थी। इनकी बारात थी जैन लोगों की। कैसा लगा होगा, कैसा वज्रपात हुआ होगा, कैसा मन खराब हुआ होगा।
कितनी बार होता है ऐसा, हमारा जैनी युवक जाता है कौन से होटल में, मैं जैनी हूँ मुझे जैन फूड चाहिए, एक आमलेट बना दो लेकिन उसमें प्याज लहसुन मत डालना, एक आमलेट बना दो लेकिन उसमें प्याज और लहसुन। शर्म आती है ऐसी बातें जब हम सुनते हैं। जब तक ये आहार बिगड़ा रहेगा जीवन बिगड़ता ही चला जाएगा, बिगड़ता ही चला जाएगा। इस जीवन को संवारने के लिए, सुधारने के लिए आज बंद कर देना जितने ये पैक डिब्बे आपके पास आ रहे हैं, सारा तामसिक भोजन है और नॉन वेज की हद तक चला जाता है। अरे इससे तो जो प्रिजर्व वो जूस होते हैं ना, जूस के डिब्बे आप लोग लेकर आते हैं घर में, उससे तो पानी पीना अच्छा है, उसको पीकर स्वास्थ्य खराब करना है। डाइनिंग टेबल पर सजे हैं वो डिब्बे और दो चार गेस्ट आते हैं आपके डाइनिंग टेबल की चकाचौंध को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। सारा अंधकार में ले जाने वाला है और जिन जीवों का हनन कर रहा है। सुबह का नाश्ता भी कैसा होता है, ब्रेकफास्ट कैसा होता है, ब्रेड खाते हैं। जो भी चीज ज्यादा दिन तक स्थिर रहती है उस सब में क्या है, उस सब में नॉन वेज का कहीं ना कहीं कोई फूट है। इसलिए आज थोड़ा सा जाग कर जाना है। डॉक्टर कहता है आपको, आपको इतना बड़ा रोग हो गया है अब तो आपको रुखा रुखा भोजन करना है, मानते हो ना डॉक्टर की बात, और गुरु कहते हैं तो, परमात्मा कहते हैं तो, आपके मुंह में कैंसर हो गया है गुटखा खाना तो छोड़ना ही पड़ेगा, ऑपरेशन में खाना छोड़े गए ना, और जीवन रहते जब गुरु कहते हैं खाना छोड़ दो तो। सिगरेट से आपके फेफड़े खराब हो गए हैं, डॉक्टर ने बोला एक भी सिगरेट पियोगे तो दो दिन भी जी नहीं पाओगे मर जाओगे, छोड़ेंगे सिगरेट या नहीं। शराब पीने से तुम्हारी किडनी फेल होती हो जाएंगी और इतनी सी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आ गई है। अगर आपने अब की बार इस शराब को पिया तो अगले पल तो आप किडनी फेल होने के बाद ही मेरे पास छोड़ेंगे या नहीं, बोलो छोड़ेंगे। डॉक्टर जी आपका भगवान है क्योंकि मोटी फीस लेकर आपको एडवाइस देता है ना, और गुरु तो जगाने का काम करते हैं, मुफ्त में आपको सब कुछ देते हैं। मुफ्त की चीज कहां किसको पसंद आती है, नहीं आती। जब तक मोटी रकम खर्च ना हो जाए तब तक कोई चीज पसंद आती ही नहीं। सुधर जाओ, संभल जाओ। परम राज परिषद यही कह रहे हैं कि संभलो सुधरो। तब वो बात बता रही थी जो धृतराष्ट्र ने बोला कि अंधी आंखें इतनी बात कैसे रो पड़ी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कृष्ण कहने लगे सुनो, एक राजा था, उस राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। जब तक शिकार नहीं खेलता था, व्यसन है लोगों का अपना अपना, हर तरह के व्यसन होते हैं, किसी को किसी तरह की आदत होती है, किसी कोई किसी आदत का गुलाम, कोई किसी आदत का गुलाम। बादशाह तो वही होता है जिच्छाएं जिसकी गुलाम होती है, और जो इच्छाओं का गुलाम होता है वो तो गुलाम ही होता है। शिकार हर रोज शिकार करने जाता, रानी बहुत अच्छी थी, बहुत बार रोकती थी लेकिन नहीं मानता था, व्यसन लगा हुआ था। एक दिन शिकार करने के लिए गया, सुबह से शाम हो गई, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। इतना परेशान इतना क्रोधित हो गया, सूर्य अस्त हो गया, इतना थक गया भाग भाग कर, इतना इरिटेट हो गया और आकर ना खाना खाया ना कुछ, क्रोध का भयंकर भूत सवार हो गया। सारे कर्मचारियों को आदेश दिया, जिस जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था जाओ उसके चारों तरफ ईंधन चिन दो, जितने भी वहां पशु हैं, मुझे बहुत थकाया ना, एक भी मेरे हाथ नहीं आया, अब देखता हूं सारे बचकर कैसे बाहर जाते हैं। ईंधन चिन दिया और वहीं पर खड़ा है और कहा आग लगा दो, आग लगा दी। सारे पशु चिल्ला रहे हैं, इतने भयंकर चित्कारे जो आसमान को भी चीर रही है। इतने में वो राजा खड़ा है पास, क्या देखता है एक नागी अपने 100 बच्चों को लेकर, लकड़ियां चिनी हुई थी ना, लकड़ियों के बीच में
थोड़ी सी जगह होती है, उसके बीच में से गैप से एक नागिन फटाफट निकल कर भागने लगी। उसके 100 बच्चे उसके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। एकदम राजा ने देखा, ये दुष्ट नागिन, ये बचकर जाएगी। उसी समय तीर अपने कमान पर चढ़ाया और एक ही कमान में 2-3 नागिन ने पीछे मुड़कर देखा, मेरे बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं ना। उसी समय तीर छोड़ा उस राजा ने और वो तीर नागिन की, दोनों 2 तीर थे दोनों आंखों में। नागिन तो भागती भागती कहीं झाड़ियों में छिप गई और उसके 100 बच्चों को पीछे से उठा के आग में डाल दिया। धृतराष्ट्र कहने लगा, इतना दुष्ट वो राजा, एक शिकार नहीं मिला, उसने इतना बड़ा पाप कर दिया। कृष्ण कहने लगे, धृतराष्ट्र वो राजा कोई और नहीं, वो राजा तुम थे। नागिन को अंधा किया तुम्हारी आंखें, तुमने उसके 100 बच्चों को आग में डाला तुम्हारे 100 बच्चे, तुमने इतने सारे जानवरों को जलाया तुम्हारा पूरा का पूरा वंश का विनाश, तुम्हारे वंश का विनाश हो गया। इंसान को अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। जब जीव मरते हैं ना, उनके अंदर से जो आह निकलती है, चाहे इतना खाओ चाहे इतना खाओ, पाप तो पाप ही है। इतनी सी नींबू की एक बूंद नींबू के रस की एकदम भरे हुए दूध के बर्तन को, सारे के सारे दूध को नष्ट कर देती है। ऐसी ही आह की एक वाइब्रेशन, एक तरंग हमारे पूरे जीवन को, जब कोई जीव मरता है, मरना कोई भी नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं और वो कहते हैं मुझे भी जीने दो। हाथी कहता है, तुम बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, मुझे देखो, मैंने कभी कोई मांस नहीं खाया, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, अगर बॉडी बिल्डर बनना ही है तो मुझे देख कर बनो। बंदर कहता है कि तुम कहते हो मेरे वंशज तो शुद्ध शाकाहारी है, मेरा कोई भी वंशज कभी मांसाहारी, अगर तुम मांस खाते हो तो तुम मेरे वंशज नहीं हो। कछुआ कहता है कि देखो मेरे पास कितना मजबूत कवच है, पता है क्यों? क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। जो शुद्ध शाकाहारी होता है उसके पास ऐसा कवच होता है, प्रकृति का कोई प्रहार, दर्द का तकलीफ का कोई प्रहार भी हो जाए तो उसके पास कवच इतना मजबूत होता है कि कोई भी उस ताकत को, उस कवच को तोड़ नहीं सकता। तो इसलिए आज सुना है तो कुछ ना कुछ तो ग्रहण करके जाना, अपने डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा सुधार लेना, वहां पर तरोताजा घर का बना हुआ ऐसा ही फूड, ऐसा आहार आए जो सब बैठकर, डाइनिंग टेबल तो इतना सजाते हो अकेले बैठकर खाना खाते हो, सजाते हैं ना, क्योंकि समय ही नहीं है, बच्चे कहाँ है, बेटी कहाँ है, पत्नी कहाँ पर है, अकेले बैठे हो, नौकर लेकर आ रहा है, परोस रहा है और बैठकर बाहर से सजाया, भीतर तो खालीपन पड़ा है। आज इस पर्वाधिराज के इस चौथे दिन पर जो भी तुम्हारे जीवन में व्यसन है, चाहे गुटखा खाते हो, कोई शराब पीते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, या बाहर का ये फूड इतना खाते हैं, तो कम से कम कुछ मर्यादा और प्रतिज्ञा और ये विजय का त्याग, जिमी कंद का त्याग कौन कौन करके जाएंगे, कौन कौन करके जाएंगे? आप लोग सब कुछ नहीं करेंगे, हाँ कुछ तो करते जाएंगे। मन की धारणा से कोई एक नियम तो कराकर जाओ, मेरा सुनाया हुआ कुछ तो सार्थक हो जाए, नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा मैंने ऐसे ही बोला। जो मोह छुटता नहीं, ये जीवा कुछ छुटने नहीं देती, अगर नहीं छुटने देती तो खुद ना छुड़ाएगी। मेरे कहने से छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा होगा, एकदम कल्याण का मार्ग मिलेगा, मंगल का मार्ग मिलेगा, नहीं तो कुदरत खुद अपने आप ही बहुत ईमानदार है, न्याय करती है, वो तुम्हारे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं तो आपके संग की समाज की छोटी सी साध्वी हूँ, निवेदन कर रही हूँ, जितना जागरूक हो जाओगे उतना ही
उतना ही आपका जीवन सरल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो एक छोटी सी बस यही बात है कि थोड़ा सा जीवन में सुधार लेकर आना। इसी के साथ ओम शांति।